अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ अयाज कश्मीरी। आप देख रहे हैं अयाज फैक्ट्स। दोस्तों, आज मैं पीटीसी अलीवो 4G की अनबॉक्सिंग करने लगा हूँ। इसके मुकम्मल अनबॉक्सिंग और इस्तेमाल करने का मुकम्मल तरीका आपको बताऊँगा। तो बिना वक्त ज़ाया करते हुए चलते हैं हम अपनी वीडियो की जानिब। ये वाईफाई मैंने खरीदी है पीटीसीएल के ऑफिस से 2500 की। 2500 की वाईफाई खरीदी है और 1500 का पैकेज कराया है 50 GB का। तो आप भी पीटीसीएल के दफ्तर से जाके 2500 की वो ख़रीद सकते हैं और अपनी मर्ज़ी का पैकेज लगवा सकते हैं। पैकेज लगवाने से पहले आप पैकेज की डिटेल्स चेक कर लें, आपने कौन सा पैकेज लगवाना है, कितने GB वाला। 12-18 टेक्निकल असिस्टेंट कॉल नंबर है और 0800-80-8000 इसकी हेल्पलाइन है। तो चलिए खोलते हैं इसको। ये है इसकी 4G वो क्लाउड ZTE कंपनी की। तो ये ज़्यादातर आती है ब्लैक कलर में। तो चलिए आपको दिखाते हैं इसकी सिम वगैरह। तो ये इसकी सिम वाली जैकेट हो गई है। तो इसके साथ आता है साथ में ये वारंटी कार्ड के साथ ये इसका एक एक्स्ट्रा स्टिकर देते हैं जिस पे इसका पासवर्ड वगैरह, वाईफाई पासवर्ड, लॉगिन पासवर्ड होता है। ये इसकी चार्जर की केबल और ये इसका अडेप्टर। ये इसकी पीटीसीएल की यूज़र मैनुअल बुक है जो आप पढ़ सकते हैं कि आप इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्या सिस्टम है। तो चलिए इसको भी मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ। ये आपके लिए ना मुकम्मल गाइडलाइन लिखी हुई है, इसको आपने कैसे यूज़ करना है, कैसे ऑन करना है, क्या सिस्टम है, किस चीज़ का क्या फंक्शन है। तो ये हो गई इसकी मैनुअल बुक जिसको आप चाहें तो सारा टोटली देख सकते हैं। चलो इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इसमें सिम डालते हैं और इसको इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे इसकी सिम डलेगी, ये ऑन ऑफ वाला बटन है और ये VPS वाला दूसरा बटन है। तो इधर एंटीना लगता है ये दोनों जगह पे और साथ में चार्जिंग का सिस्टम। तो चलिए डालते हैं सिम इसमें और देखते हैं आगे कैसे चलती है, कितनी स्पीड है इसकी। तो ये दरमियाने साइज़ की सिम डलती है और ये इस पे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह डालनी है, उल्टी सीधी किस तरह आएगी। VPS बटन है जिस और ये ऑन ऑफ वाला बटन। तो VPS वाला बटन आप प्रेस करके वाईफाई इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे घर पे दोस्तों सर्विस का मसला है, इसलिए मैं इसके साथ एंटीना इस्तेमाल करूँगा। तो दिखाता हूँ आपको एंटीना कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये एंटीने का कनेक्टर है जो 4G वाईफाई में एंटीने वाली जगह पे लगता है। अगर आपके इलाके में भी सर्विस का मसला है तो आप एंटीना यूज़ करें। देखें इन दोनों जगह में से आप किसी भी जगह पे लगा सकते हैं। तो मैं ये लगाता हूँ इस जगह पे। तो अभी दोस्तों मैं इसको करता हूँ ऑन और आपको चेक कराता हूँ इसकी स्पीड फिर कितनी आती है एंटीने के साथ। एंटीने के साथ इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। तो ये हो रही है ऑन। जब ये ऑन हो जाएगी तो इसकी ब्लू लाइट्स ऑन हो जाएंगी। ये नीचे सिग्नल वाली जगह पे ब्लू लाइट्स होगी ऑन। अब चलते हैं मोबाइल में। मोबाइल से आपने जाना है वाईफाई में। वाईफाई में जाते हैं तो उधर फिर इसका नाम देखें, जिधर नाम लिखा है उस पर क्लिक करें और आप 4G का बॉक्स उठा लें, क्योंकि इसके बॉक्स के नीचे जो है ना पासवर्ड वाईफाई की लिखी होती है। तो आपने वाईफाई की वहां से जो है ना नोट करके लिख लेनी है अपने मोबाइल में और फिर इंटर कर देनी है वाईफाई की। तो दोस्तों देखें मेरी वाईफाई कनेक्ट हो चुकी है। अभी मैं आपको इसकी स्पीड चेक कराता हूँ। तो मैं जाता हूँ यूट्यूब में। तो चलते हैं यूट्यूब में। देखें मैंने ये यूट्यूब ऑन की।
और दस्ती यूट्यूब ऑन हो गई, और देखें कितना जल्दी वीडियो प्ले हो गई, बिल्कुल कोई लोड नहीं खाया है। ये एंटीने की वजह से अभी लोड नहीं खा रही, तो देखें अगली वीडियो भी कितना जल्दी प्ले हो गई है। अगर आप चाहते हैं मैं एंटीने पे वीडियो बनाऊं, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करें, उस पर भी वीडियो बना दूंगा। ऐसी मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजा दें, ताकि मज़ीद ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।